लाला भी हाथ दे दिए, अब अपनी गाड़ी अपने को चलाना पड़ता। कल गुस्से में गया था, आज हंस के एंट्री लेके देखेंगे। ता क्या हुआ, बहुत ही चहक रही। कॉलेज के पट्टियों को देखते हुए आ रही क्या रास्ते में? आ? नीचे चाय नहीं दिख रही क्या टेबल पे? ठंडी होगी शायद। अब भी रखी हूँ, अब भी। ओ गर्म है, गर्म है, बहुत बहुत गर्म है। हाँ वही ठंडी उजाड़ी। कल से एक नौकरानी रखनी है अपन लोग। कोई जरूरत नहीं है, कुछ और ही उनको बताओ। समीना उसे कुछ काम था, भूल गया, अपन पावर में नहीं है। स्पष्ट रूप से बताओ कि समीना क्या है? आ रही है, सो जाओ। उधर टेबल पे खाना पड़े हुआ है, खा के सो जाके। आज नको बोलते क्या? आज तुम्हारा मूड सीरियलों में है शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सीरियल ना देख लो, मैं सो जा रहा हूँ। एक मासूम मर्द दुआ ही औरत को। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ छोटन बोल। आप आज एक छोटी दावत रखना चाह रहा हूँ होटल अंगारा पे। आप और भाईजान कैसा भी आ जाए ना 8 बजे तक। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, फिर भी एक बार तेरे भाईजान से पूछ लेती हूँ रे। अच्छा सब सुकून में है ना? सब अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टेंशन है तो बोलो। अच्छे अच्छे टेंशन ना भाग जाते रे समीना से। तेरी बहन ही छू मैं। आपा तुम्हारे मिजाज से वाकिफ हूँ मैं, थोड़ा नरम दिल से रहो। चल तेरे को फोन करती हूँ मैं इनसे पूछ के। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शुक्रिया भाईजान, आप ना मेरी छोटी दावत में आए। अरे चल छोटन। शुक्रिया तुम्हारा मियां, बहुत जबरदस्त जगह खाना खिलाए। भाई किसका होटल अच्छी है, खाना बहुत जबरदस्त है। हाँ चलो अब जाएंगे। मेरे को पिक्चर को जाने का है। ये टाइम पिक्चर को कैसे जाएंगे, काम खराब हो जाते पूरे। मेरे को फिल्म देखना है बस। अपन भी जाएंगे क्या फिल्म देखने को? डट्टी औकात बहुत ही शौक उठ रही। अच्छा घर को चलो, फ्रेश होके जाएंगे। खुदा हाफिज़ छोटन। खुदा हाफिज़। आप दहशतगर्दी की बात ना करो। लंदन के टिकट बुक कराना है, कहाँ जाना? वहाँ एक खूंगा उंगले तेरे बैठे हुआ है, आओ वहाँ चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाता। हेलो कहाँ पे जाऊँ? लंदन। लंदन गए गुजारे जी, इंडिया अच्छा है ना, तुम चले गए तो क्या होगा? जोरू से मिलने जा रहा हूँ, मेरी जोरू रहती रे वहाँ। जोरू को वहाँ कहीं कुछ छोड़े जी। ए क्या हुआ, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। टकले को टिकट दो। ए सांप को टिकट दो सर। इतना जल्दी टिकट, ना नाम ना पता। मैं दिखने में सुस्त हूँ मगर बहुत एडवांस हूँ, तुम्हारे चरपटे को देख के समझ गया मैं तुम शमशू पहलवान है। इतने फेमस है पर कितने पैसे? 15,000। हेलो यार वो अग्रवाल की टिकट्स का क्या हुआ, जल्दी करो जरा। फास्ट। हाय पिंकी कैसी हो? हेलो सर मैं ठीक हूँ, दिन में 10 बार आप पूछ चुके हो। अच्छा? कितने बार बताऊं? आप कैसे हो ये बताओ। मैं एकदम सॉलिड। और सर फोन बज रहा है। अच्छा अब किसका बज रहा है, कहाँ बज रहा है, आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। सर मेरा बज रहा है सर। अच्छा तुम कब आए मियां यहाँ पे? जब आप हाथ मिलाना शुरू करे। आओ उधर आओ। हाल चाल पूछ रहा था मियां। अच्छा एक बात बोलो। हाँ आप ठहरे इतने मीठे और रोमांटिक, फिर आपकी बेटी समीना इतनी तेज कहीं को? दरअसल ऐसा है मियां, समीना के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उनके वालिदा जो है मिर्ची ज्यादा खा लिए थे। आई सी। एक काम करो तुम यहाँ से जाओ, मियां पर मेरे बीवी के जासूस बहुत भरे हुए, चलो जाओ। ओ मिस्टर रॉबर्ट। ये बुढ़ाओ इतना डर डर के भी करने के काम पूरे कर रहा। हाँ बोलो लाला कैसा याद करे? दावत देने के वास्ते याद करा। भाभी को ले लेके आज शाम में मोइनाबाद के फार्म हाउस पे आ जा, पार्टी करेंगे और धूम मचाएंगे। ख्वाब में भी नक्को सोचो लाला ये सब। दावत तो दूर की बात है, तुम्हारे कपड़ों को, तुम्हारे लक्षण को, तुम्हारे बेबीज को देखी ना मेरी बीवी तो अपन दोनों को तुम्हारे एम्पायर से लेके रोड तक मार लेती लाती, समझे?
Forget it. अरे 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 ये नौबत पे ला लिया गया रे तू काम से तू है रे तेरी जिंदगी पे मरद बन रे मरद बन रख फोन रख मैं आई कम इन सर ओ पिंकी हैव अ सीट ओके सर सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं नहीं पिंकी ऐसी कोई खास बात नहीं है सर आप फिकर ना करें आपकी परेशानी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं यार तीन कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा पिंकी तुम्हारी शादी हो गई अब तक नहीं सर कहाँ ढंग के लड़के मिलते हैं आजकल हाँ भाई ढंग के लड़के मिलते कहाँ है सर आपकी मैरिड लाइफ तो ठीक चल रही है ना आई मीन इट्स पर्सनल बट चल रही है बस शादीशुदा जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं संभल कर चलना पड़ता है अब तुमसे क्या छुपाऊं पिंकी मेरी बीवी बहुत ही गुस्से वाली है और जिद्दी भी जिसकी वजह से हमारी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बहुत ही शक्की औरत है वो सर अगर आप कहे तो मैं मैडम से बात करूं दिखलाते क्या बहुत खतरनाक औरत है वो एनीवे सर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू आप कभी मेरे घर आइए ना तुम्हारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा नहीं सर मैं अकेली रहती हूँ आएंगे कभी तुम्हारे घर फैमिली के साथ सर फैमिली के साथ तुम क्या बोलते अकेले आना अच्छा रहेगा एज योर विश सर ठीक है तुम जाओ ओके सर पिंकी जी सर तुम्हारी सैलरी कितनी है अलाउंस मिला के कुछ 15K सर ओके मैं अकाउंट्स में बोल दूंगा इस महीने से तुम्हारी सैलरी 3,000 रुपए बढ़ा दे थैंक यू सो मच सर इट्स माय प्लेजर अरे 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 क्या तुम ये जी हो तुम्हारे जैसा बेसब्र आदमी नहीं देखी मैं जरा सा भी सब्र नहीं है बस अरे आई से ही हूं पे बजाते ही जा रहे अरे मैं कब से ठहरा हूं 1 घंटे से ठहरा हूं खाली क्या हो गया बोल के तैयार होने को टाइम भी नहीं देते क्या ऐसा कौन सा तैयार हो तू चलो अदनान वहां जाके देखिए ठीक है चलो हाय अदी तानिया ये क्या करने वाले थे तुम अच्छी उपड़ी के साथ मैं क्या करने वाला था कुछ भी नहीं गल्ले मिलने आ रही थी उन्हें और तुम भी आगोश में ले लिए थे एक गैर औरत को सॉरी भाई उन्हें मेरी पुरानी दोस्त थी दोस्त नहीं वो जी वो जाओ अब घर को जाके ये मुद्दे पे फैसला होगा अब सर दर्द की गोली है नहीं मिलती मैम अब से मंगा के रखो सॉरी ना बीवी है मेरा मेरा घर में भी यही चाल है పిల్లలతో తో నుండి నెత్తినొప్పి ఇది కాక రే ఓ నెత్తినొప్పి గోల్ తీసుకురారా నా మేరా మోరత్ సే గల్లే మిలే వాలే తు అరే మే మిలా తో నే నా భై వో మే తీ బోల్ కే నై తో అబ్ తక్ కుర్సీ హోటల్ మే జాకే బైఠే థే కి అరే అరే మేరే రహతే హువే యే హరకత్ కర్ రహే మేరే పీచే క్యా క్యా కర్ రహే కి అరే మే अरे सुनो तो भाई उन्हें तुम्हारे आंग पे आई कैसा पहले ये बोलो तुम समीना दैट गर्ल गॉट क्रेजी सीन मी अब्बा तुम अपने आप को 18 साल का लौंडा पट्टा समझ रहे हो ये देखो भाई तुम चुप बैठो हट बाजू सब झूठे झूठे बात अरे सुनो तो सही अरे ऐसा गुस्से में कहीं को आ रहे हैं भाई ऐसे इशू कहीं को बना रहे समझ में नहीं आ रहा मेरे को अरे हो गया ना भाई माफी भी चाहो अब क्या है अगर मैं नहीं रहती थी तो गल्ले भी मिल लिए थे और ईद भी मना लिए थे तुम ये देखो भाई हाथ नहीं लगाना भरोसे के काबिल ही नहीं है तुम क्या जटिल औरत है भाई ये मुंड बकरी है इतना समझा रहा हूँ समझने का नाम ही नहीं ले रही घाटी मारू समीना मेरा बैग क्या है ये बाला ऑफिस को जा रहे या मॉडलिंग करने जा रहे हैं ये टाई क्या है फैशन पॉलिट अरे रोज ऐसी जाते हो ना भाई अचानक कहीं को याद आ गया सब इतने दिनों से तुमको छूट देके देख ली ना तुम्हारी चोले कल तक ऐसा जाते थे होंगे लेकिन अब ऐसा नहीं सलायत से जाएंगे समझे तुम बाला बादलों के जैसे नहीं सर आपके बाल पैराशूट
अरे क्या हुआ मियाँ तुम्हारे बालों को ये? तुम्हारी बेटी समीना दाल के घोटरी मेरे को। अरे मियाँ शादी के बाद हर आदमी के पैर में बेड़ियां पड़ जाते और शक करना हर औरत के फितरत में समझे। आओ मैं तुमको समझाता हूँ। आओ मियाँ तुम्हारे को एक राज की बात बताता हूँ। ये हमारे शक्कर दादा है, इन्हू नौकरानी के चक्कर में पड़ गए थे। जैसा हमारे शक्कर दादी को मालूम हुआ मार के इनका मुइज फोड़ दी। ये हमारे परदादा है, इन्हू गैर औरत को जो है घूर के देखे। हमारे परदादी को मालूम होते ही पत्थर से मार के उनकी आंखें फोड़ दी। उनका क्या है, उन्हें तो शरीफ दिख रहे। शराफत की आड़ में इन्हू खामोश रहे। हमारे दादी से तंग आकर इन्हू दूसरी शादी करने की सोचे। जैसा हमारे दादी को मालूम हुआ उन्हें जोर से शट अप बोली। जब से उनका मुंह जो है ऐसी छो गया। अरमानों की अर्थी उठने वाली है जैसा दिख रहा मेरे को। अब अगली फोटो आपकी दिख रही।